आज मैं आपके लिए ठेकुआ की रेसिपी लाई हूँ, जिसका परफेक्ट मेजरमेंट इसे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनाता है। इसे आप बनाकर एक महीने तक एयरटाइट बॉक्स में स्टोर भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया जाता था, लेकिन आज हम इसे मैदा और आटा मिलाकर बनाएंगे। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 1 कप आटा, 2 कप मैदा, 1 कप चीनी और 1/2 कप घी लेंगे और यही इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। इन सबको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक मिक्स करना होगा। जब यह इस तरह से बाइंड होने लगे तो सामने का थोड़ा पोर्शन लेके इसमें पानी का छिड़काव करेंगे और उतने ही पोर्शन का स्टिफ डो बनाएंगे। फिर हाथों से दबाते हुए इस तरह से इसके गोले बना लीजिए। यहाँ मैंने 6 से 7 गोले बनाकर रख लिए हैं। अब ठेकुए के सांचे में घी लगाकर इसको शेप दे दीजिए। वैसे हमारे पास इसका मोल्ड नहीं है, तो हमने फोक और छन्नी की हेल्प से इस तरह से शेप्स दिया है। अगली बार जब मैं गांव जाऊंगी तो इसका सांचा जरूर लेके आऊंगी। वैसे इसके शेप्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब फ्राई करने के लिए पहले घी को अच्छे से गरम करेंगे और फिर फ्लेम कम करके ठेकुए को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। एक बात का आप ध्यान रखना कि शुरू के 2-3 मिनट इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और फिर इसे आराम से पलटकर कुछ देर और कुक करेंगे। इस तरह से कलर आने लगे तो इसे निकाल लीजिए और बिल्कुल ठंडा होने दीजिए। निकालते समय भी यह थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। ये लीजिए, रेडी हो गया हमारा परफेक्ट माउथ वाटरिंग ठेकुआ, जिसे आप जरूर बनाइए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।